आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। कई बार आपने कमेंट में लिखा नीचे, बिजनेस शुरू करने से पहले तैयारी क्या क्या करनी चाहिए, प्रिपरेशन क्या क्या करना चाहिए। आज एक सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, आपके लीगल फ्रेमवर्क्स, आपकी लीगल प्रिपरेशन। अगर ये तैयार ना होना तो जो आपके फाउंडर को फाउंडर है ना, जो आपके पार्टनर्स हैं, वही कभी कभी आगे चल के आपके शत्रु बन जाते हैं। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वही कभी कभी आपके शत्रु बन जाते हैं। वो आपका जो कस्टमर है, वो माल भी ले जाएगा, पैसा भी नहीं देगा। कुछ बेसिक शुरुआत और उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के रूप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जानते हैं आप? कई बार आपने मेरे वीडियोज में देखा ना, वो लल्लू लाल कौन है ये लल्लू लाल? लल्लू लाल एक गलती क्या करता है, वो कोई बढ़िया चीज बनाना सीख तो गया, उसको कुछ उसने नया इनोवेशन ला तो दिया, लेकिन बेचारा टेंशन में है कि कोई और ना ले जाए, अरे मेरा एम्प्लॉय ना सीख जाए, अरे दूसरा धंधा ना खोल दे, अरे मेरा कंपटीशन ना बन जाए, अरे मेरा वो कॉम्पिटिटर आके नजर रख रहा है मेरे पे। वो टेंशन में रहता है बेचारा, ना सिखाता है किसी को और खुद ही गुलाब जामुन बनाने में लगा हुआ है। आज भी अपना गुलाब जामुन खुद ही तल रहा है, खुद ही चाशनी डाल रहा है, खुद ही। लल्लू लाल हर बिजनेस में, जो भी आदमी अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, डिसेमिनेट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जैसे आपकी प्रॉपर्टी खरीदते हो ना आप लोग, हैं रजिस्ट्री कराते हो उसकी, जमीन खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, कोठी खरीदते हो, दुकान, उसकी जो रजिस्ट्री है वो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की तो आप रजिस्ट्री कराते हो, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बारे में मालूम ही नहीं, आपको ध्यान नहीं देते हम। क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जो आपकी बुद्धि से, इंटेलेक्ट से पैदा हुई है, जो आपकी अपनी बुद्धि से आपने बनाई है, उसको भी आप रजिस्टर करा लो, उसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कर लो, उसके राइट ले लो। बिजनेस बड़ा करने में यकीन मानिए ये बहुत फायदा देगा। देखिए, हर बिजनेस की शुरुआत में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपका प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए। एक अच्छी लीगल एडवाइजर की, जो बिजनेस को समझता है और बिजनेस के हिसाब से लीगल एडवाइस दे सके, उसकी जरूरत आपको शुरू से पड़ती ही है। इससे आपके पेमेंट्स के होने वाले झगड़े और बाद में कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, इसीलिए एक अच्छे एडवाइजर के साथ में प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन कर लीजिए। प्रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करना ही नहीं पड़ेगा आपको। फाउंडर कितना पैसा डालेगा, कब निकालेगा, फाउंडर निकलते वक्त वो कैसे अपना स्टेक बेचेगा, कितना रखेगा, मेहनत कितनी करेगा, पैसा डालेगा कितना। अच्छा, एक चीज और, अगर बेचेंगे कंपनी उसको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें शुरुआत में फाउंडर अग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ अग्रीमेंट प्रॉपर्ली बनने चाहिए। जब आप एम्प्लॉय आपके यहाँ ज्वाइन करता है, वर्बल ज्वाइनिंग मत कराइए। एक देखिए, जैसे कि सेल, एवरी सेल मस्ट बी गवर्न्ड बाय अ वेल रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सेल बिना कॉन्ट्रैक्ट के होनी ही नहीं चाहिए आपकी कंपनी में, ठीक उसी प्रकार कोई भी एम्प्लॉय बिना कॉन्ट्रैक्ट के हायर होना ही नहीं चाहिए। ये बनाते कैसे हैं, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट शेयर करता हूं। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो अपने बिजनेस में लोकल लेबर लॉस को पहले समझ लें, उन लेबर लॉस की कंसिडरेशन को जरूर इंक्लूड करें ताकि वो कंप्लायंस का प्रैक्टिस करें। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज बहुत जरूरी है, यानी कि वो आपके बारे में आपकी किसी इंफॉर्मेशन को बाहर ना शेयर कर दे, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखे। नो पोच क्लॉज बहुत जरूरी है, आपकी कंपनी को छोड़ने के बाद आपके एम्प्लॉयज को हायर ना कर पाए। नॉन कम्पीट क्लॉज बहुत जरूरी है, आपको छोड़ते ही आपका कॉम्पिटिशन ना बन जाए। और नॉन कम्पीट हायरिंग क्लॉज, यानी कि वो किसी और के यहाँ जाकर के आपके कंपटीशन के आगे जाके तुरंत ना ज्वाइन कर ले। ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको बाइंड करती हैं। आप जीवन भर के लिए तो बाइंड नहीं कर सकते, लेकिन 18 महीने का, 12 से 18 महीने का जनरली मार्केट में ट्रेंड है कि जो आपके यहाँ नौकरी करता है वो कंपनी छोड़ने के बाद 12 से 18 महीने किसी और के, आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकता। कहीं भी जाके ज्वाइन करे, लेकिन आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के यहाँ नहीं ज्वाइन कर सके। काफ़ी सारी कंपनीज अपनी नॉलेज को इसके कारण प्रोटेक्ट कर पाती हैं। एक्सट्रीम डिसिप्लिन के केस के अंदर टर्मिनेशन का क्लॉज आपके पास हमेशा रहना ही चाहिए। ऐसा ना कि कोई एक्सट्रीम डिसिप्लिन का इशू आ जाए और उसके बाद आप उसको टर्मिनेट भी ना कर सकें और उल्टा लेने के आपको देने पड़ जाएं। दूसरा, मान लीजिए कभी बात हाथ से निकल जाती है, और बात हाथ से निकले तो आपके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज उसके अंदर होना चाहिए, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर का क्लॉज उसके अंदर रहना चाहिए, ताकि आपके हाथ मजबूत रहे और आप बाद में संभाल सकें। लेकिन एक बात और, ऐसा करते वक्त ऐसा ना हो जाए कि ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, ऐसा ना लगे देखने में कि एम्प्लॉयर केवल अपने बारे में सोच रहा है, एम्प्लॉय के बारे में सोच नहीं रहा। ये बड़ा बैलेंस्ड एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है, इसमें एम्प्लॉय के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो गए, एम्प्लॉयर के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो गए।
दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो संबंध दूर तक चलता है। अगर आपको लगता है कि ये सब टॉपिक्स आपको काम आते हैं आपका बिजनेस शुरू करने के लिए, ये फ्री एडवाइस आपको काम आती है बिजनेस शुरू करने के लिए, तो मेरा मन है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, पेटेंट बनाने के ऊपर, जिससे आपको आगे चल के रॉयल्टी इनकम मिल सके, लाइसेंस आप आउट कर सके ताकि आपको रॉयल्टी इनकम जनरेट हो सके, फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्ड करने से पहले आप तैयारी कर सकें, शुरुआत में ही कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स बिल्ड करके आगे कोई आपको तंग ना करे, आपको एक्सप्लॉइट ना करे, आपसे उल्टी पुल्टी डिमांड ना करे, तो आप पहले ही तैयारी कर सकें। आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आपको पता है लीडरशिप फनल, देखिए यहां मैं नॉलेज दे सकता हूं ना, पूरे फ्रेमवर्क्स, पूरी एक्सरसाइजेस आपको लीडरशिप फनल में आना ही पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है कि अभी आप लीडरशिप फनल में आने के लिए तैयार नहीं है लेकिन आपको लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। इसी नंबर पर फोन करिए, लीडरशिप फनल में आना चाहते हैं तो भी, और नहीं आ पा रहे हैं केवल लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी, हमारे काउंसलर्स को इसी नंबर पर फोन करिए, पता लगाइए कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा और आपके लिए क्या सोल्यूशन बेटर रहेगा। और अगर आप पूरे लीडरशिप फनल में नहीं आ पाते हैं तो छोटा सा, आपको पता है ना, हमने बाउंस बैक सीरीज इवेंट चालू किए हैं पूरे देश भर के अंदर, छोटे छोटे शहरों तक मैं पहुंच रहा हूं, लोगों से आके मिल रहा हूं, लो टिकट प्राइस बाउंस बैक सीरीज 4 घंटे के इवेंट के लिए इस नंबर पर फोन करिए। और अगर लीडरशिप फनल पूरा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी, फ्री वीडियोस की एडवाइस से आपकी थोड़ी सी भी मदद होती है, लाइक जरूर करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अपने आस पास लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बेल आइकॉन को हिट करके हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।